प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की अपार क्षमता है। उन्होंने कहा कि ड्रोन उद्योग के फलने फूलने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और ड्रोन तकनीक को लेकर देश में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के मार्ग पर चलकर लोगों के जीवन और व्यापार को सुगम बनाने पर ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी ने अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र के तहत सरकार ने आम नागरिकों के कल्याण के लिए तकनीक का इस्तेमाल एक सेतु के रूप में किया है। उन्होंने कहा कि ड्रोन जैसा एक स्मार्ट उपकरण जल्द ही हर नागरिक के जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है और ये कृषि, रक्षा, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवा सहित सभी क्षेत्रों में सामग्री को गुणवत्ता परक बनाने में मदद करेगा। 21वीं सदी के नए भारत में, युवा भारत में हमने देश को नई स्ट्रेंथ देने के लिए, स्पीड और स्केल देने के लिए टेक्नोलॉजी को अहम टूल बनाया है। आज हम टेक्नोलॉजी से जुड़े सही सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं और उनको स्केल अप करने का कौशल भी हमने विकसित किया है। देश में ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन गुड गवर्नेंस के, ईज ऑफ लिविंग के इसी कमिटमेंट को आगे बढ़ाने का एक और माध्यम है। ड्रोन के रूप में हमारे पास एक और ऐसा स्मार्ट टूल आ गया है जो बहुत जल्द सामान्य से सामान्य भारतीय के जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है। हमारे शहर हो या फिर देश के दूर दराज गांव देहात वाले इलाके, खेत के मैदान हो या फिर खेल के मैदान, डिफेंस से जुड़े कार्य हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ने वाला है। इसी तरह टूरिज्म सेक्टर हो, मीडिया हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, ड्रोन इन क्षेत्रों में क्वालिटी और कंटेंट दोनों को बढ़ाने में मदद करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ड्रोन के जरिए पहली बार देश के गांवों में हर संपत्ति की डिजिटल मैपिंग की जा रही है और इससे मानवीय हस्तक्षेप कम हुआ है व कामकाज में पारदर्शिता आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब तक 65,000 संपत्ति कार्ड जारी किए जा चुके हैं और ड्रोन से किसानों को खेती के आधुनिक तरीके अपनाने और आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने में ड्रोन महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, गांव में भी किसान के जीवन को आधुनिक, सुविधाजनक, अधिक संपन्न बनाने में भी ड्रोन टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आज गांवों में अच्छी सड़कें पहुंची हैं, बिजली पानी पहुंचा है, ऑप्टिकल फाइबर पहुंच रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, लेकिन फिर भी गांव में जमीन से जुड़े, खेती से जुड़े अधिकतर काम के लिए पुराने सिस्टम से काम चलाना पड़ता है। छोटे किसान की जमीन और उसके संसाधन इतने नहीं होते कि वो विवादों को चुनौती दे पाए और कोर्ट कचहरी के अंदर चक्कर काट पाए। अब देखिए, लैंड रिकॉर्ड से लेकर सूखा, बाढ़, राहत में फसल के डैमेज तक हर जगह रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों पर ही व्यवस्था निर्भर है। ह्यूमन इंटरफेस जितना अधिक है उतना ही अधिक भरोसे की भी कमी हो जाती है और उसी में से विवाद पैदा होते हैं। विवाद होते हैं तो समय और धन की बर्बादी भी होती है। इंसान के अंदाजे से आकलन होते हैं तो उतना सटीक अंदाजा भी नहीं लग पाता। इन सारी मुश्किलों से पार पाने का ड्रोन अपने आप में एक सशक्त, प्रभावी माध्यम के रूप में एक नया टूल हमारे सामने आया है।